अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स शो को देखा है तो यकीनन आप भी किसी न किसी तरह थॉमस शेल्बी की तरह बनना चाहते होंगे, क्योंकि ये कहना गलत नहीं है कि थॉमस शेल्बी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेल रिटन कैरेक्टर इन हिस्ट्री। आर यू हियरिंग मी मिस्टर शेल्बी? व्हाट इज इट यू डू? आई रेयरली आंसर क्वेश्चंस। आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू माय क्लास। आई एम जस्ट एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ व्हाट अ वर्किंग मैन कैन अचीव। हो सकता है कि आप थॉमस की तरह दूसरों पर कंट्रोल और पावर हासिल करना चाहते हो, लेकिन रियलिटी में आप बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं बनना चाहोगे, क्योंकि थॉमस जैसा बनने के लिए जिन हालात से आपको गुजरना पड़ेगा उसके बाद बहुत से लोग या तो पागल हो जाते हैं या जंग में ही उन्हें मार दिया जाता है। और जो लोग बच जाते हैं फिर भी थॉमस की तरह बातचीत में दूसरों पर डोमिनेट करने के लिए आपको जंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो तीन आसान कम्युनिकेशन ट्रिक्स को सीखेंगे उन्हें सीखकर आप प्रेशर वाली सिचुएशंस में भी सामने वाले को डोमिनेट कर सकोगे। टॉमी बात शुरू करने से पहले ही सामने वाले से आई कॉन्टेक्ट बना लेता है। ऐसा करने से उसकी प्रेजेंस और पावर जाहिर होती है। टॉमी हर सिचुएशन में आई कॉन्टेक्ट बनाता है, तो चाहे सामने वाला उससे ज्यादा पावरफुल हो या कम, या सेम उसके लेवल पर ही क्यों ना हो। आई कॉन्टैक्ट बनाने से काफ़ी चीज़ें जाहिर होती हैं कि आप सामने वाले को अपनी अटेंशन दे रहे हो, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन जिस तरह से टॉमी इसको इस्तेमाल करता है उससे नज़र आता है कि वो या तो अथॉरिटी बनाने या सामने वाले पर डोमिनेट करना चाह रहा हो। और ख़ास तौर पर टॉमी प्रेशर वाली सिचुएशंस में भी आई कॉन्टैक्ट बनाए रखने में कम्फर्टेबल होता है। अच्छा, इस सीन को देखते हैं जिसमें पावर बिली किम्बर के पास है, लेकिन फिर भी टॉमी के आई कॉन्टैक्ट के अंदाज से बिली किम्बर समझ जाता है कि टॉमी अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you because you're looking me up and down like I'm a f***ing tart. I want to know what you want. सेम यही चीज वो लुका के साथ करता है जब इस सिचुएशन में टॉमी हार रहा होता है और लुका जीत जाता है, लेकिन फिर भी टॉमी ज्यादा पावरफुल नजर आता है। सेम इसी तरीके से टॉमी अपने सामने वाले पर प्रेशर बनाता है। पर हाँ, ये बात ज़रूर याद रखें, अगर आप ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशंस में आई कॉन्टैक्ट बनाए रखते हो तो सिचुएशन और बिगड़ भी सकती है। इसलिए गोल ये नहीं है कि हमारा आई कॉन्टैक्ट नहीं टूटे, बल्कि ये जानना है कि आपका बिहेवियर दूसरे लोगों को क्या सिग्नल दे रहा है। यानी कि अगर आप दिखाना चाहते हो कि आपको डराया नहीं जा रहा तो आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो। अगर आप पीछे हटना चाहते हो तो नीचे की तरफ देखो। अगर आप बिना डर या किसी परेशानी के सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो तो आप 5 से 7 सेकंड तक आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो और फिर साइड को देख के ख़त्म कर दो। जबकि थॉमस शेल्बी आई कॉन्टैक्ट को हमेशा कंट्रोल और पावर बनाने के लिए यूज़ करता है, जिससे सामने वाले को ये एहसास हो कि वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है। अब इसे आप भी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, पर जैसा मैंने कहा था, इसके और भी काफ़ी मतलब हो सकती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप इसे अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कैसे इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस सीन में टॉमी शेल्बी मास्टरफुली अपनी बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करता है ताकि वो कंट्रोल हासिल करके इंस्पेक्टर कैम्बल से डील कर सके। इंटर होते वक्त टॉमी आराम से अंदर आता है, जल्दबाजी नहीं करता, जिससे सामने वाले को लगे कि वो प्रेशर या डर में नहीं है। जब वो मिलते हैं तो टॉमी डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट रखता है और इस पॉइंट पर पहले इंस्पेक्टर आई कॉन्टैक्ट खत्म करके आगे चला जाता है, लेकिन टॉमी स्टिल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखता है और वो अक्सर ऐसा ही करता है, जिससे कॉन्फिडेंस और कंट्रोल जाहिर होता है। इसके बाद उसके इशारे और हाथों की हरकत से ये सिग्नल जाता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें टॉमी इस सिचुएशन में डोमिनेट करने के लिए आई कॉन्टैक्ट के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अपनी बात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए वो आगे को झुकता है, लेकिन उसकी बॉडी ओपन रहती है। वो ज़रा आहिस्ता बात करता है और इसके अलावा वो पूरी कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी झिझकता नहीं है, तो चाहे इंस्पेक्टर उस पर अथॉरिटी दिखाने की कोशिश ही क्यों ना कर रहा हो। इन सब चीज़ों को कुछ प्रैक्टिस के साथ आप भी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि इसे आप सिर्फ उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें जिनके सामने आप अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हो, वरना आप लोगों को बस तंग करोगे। और वैसे टॉमी भी इसे अपने दोस्तों या भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, एक सवाल है, तब क्या होगा जब उसके दोस्त ही बात के दौरान उसकी बात काट दें? अगर कि थॉमस की बात काट दे, वो तब भी रुकता नहीं, बात को कंटिन्यू रखता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो पावर सामने वाले के पास चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ ये नोटिस किया होगा जब बात के दौरान कोई आपकी बात काट दे और आप चुप भी हो जाओ,
तो सामने वाला बात को कंटिन्यू करने लगता है, जिसे पावर और अटेंशन दोनों उसके पास चली जाती है। इस तरह बातचीत के दरमियान कोई सवाल आए उसको हम कहते हैं स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन। लेकिन थॉमस इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, वो इस ट्रिक को बातचीत में अपने दुश्मन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करता है। और वैसे भी किसी दुश्मन या उस पर्सन के सामने ये ट्रिक ज्यादा इफेक्टिव रहेगी जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब थॉमस के पास ज्यादा पावर होती है तब वो सामने वाले को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन से उसे हटा दें। You do anything to what? What about Snar? Yeah, they're women of sports, I'll say that. No. 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 जब हम किसी चीज के दबाव में होते हैं तब नेचुरली हम हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, और अगर हम किसी ऐसे शख्स से बातचीत कर रहे हैं जो हमसे ज्यादा पावरफुल है और उस कन्वर्सेशन की सिचुएशन भी उसी की तरफ से बनाई गई है, तो डेफिनेटली उस कन्वर्सेशन में हम अपनी पावर को सरेंडर कर देते हैं, जिससे पावर और कंट्रोल सामने वाले के पास आ जाता है और वो उस बातचीत को किसी ऐसी डील की तरफ ले जाता है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो इसी चीज से बचने के लिए आता है स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन, और टॉमी स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चंस का माहिर इंसान है। जब भी कोई उसे धमकाने की कोशिश करता है वो उसकी बात रोककर एक नया सवाल डाल देता है जो उस कन्वर्सेशन से बाहर का होता है, यानी कोई भी रैंडम क्वेश्चन। लेकिन इसका फायदा यह है कि ये एक तरफा बातचीत के फ्लो को तोड़ देता है और वहां से कन्वर्सेशन को एक नई डायरेक्शन मिले जाना हमारे लिए काफी आसान होता है। इस केस में टॉमी ये जानते हुए कि वो कैद में है फिर भी इसका इस्तेमाल करता है। So the odd fellows want you to know that any deviation from your instructions will have consequences. What's your dog's name? लेकिन यहाँ एक सवाल पूछने से ही पावर टॉमी के पास नहीं आती, वो एटलीस्ट 3 से 4 मरतबा आउट ऑफ टॉपिक सवाल करता है। What's your dog's name? What's your name, boy? I think I'll just call you dog boy. Are you hearing me, Mr. Shelby? I can charm dogs. अब प्रीस्ट भी इस बात को समझ जाता है कि टॉमी उसकी बातों में नहीं आने वाला, इसी वजह से वो उस बात को कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि टॉमी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। सो इनडायरेक्टली ये कहना भी गलत नहीं है कि अब टॉमी इस कन्वर्सेशन को डायरेक्शन दे रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखो, जब सिचुएशन अनफेवरेबल लगे तो वहाँ कोई भी इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछना आपको कंट्रोल वापस दिलवा सकता है और बातचीत को आप अपनी मर्जी से सही डायरेक्शन दे सकते हो। लेकिन जैसे हमने पहले देखा था, जब टॉमी बात कर रहा था तब कोई और इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ ले तो तब टॉमी क्या करता है। इस सिचुएशन में जब पावर टॉमी के पास होती है वो दूसरे लोगों को उनके स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन के जरिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है बगैर उनकी बात का जवाब दिए। Since when did you worry about the police? Barney Thomason is going to kill an MP. इस सीन में टॉमी उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो पावर और अटेंशन दोनों उसके पास चली जाती और वो उस बातचीत का कंट्रोल उसको दे देता। इसी तरह से इसका इस्तेमाल हम एक और सिचुएशन में भी कर सकते हैं, अगर आप या आपके किसी दोस्त के इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएं, यानी वो बहुत गुस्सा या डिप्रेशन में है, तो उस सिचुएशन में भी इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेने से आप उनका फोकस किसी दूसरी चीज पर कर दोगे। इसी सेम चीज का इस्तेमाल टोनी रॉबिन्स ने अपने शो में किया था। Is it the red shoes? No. Are you sure? Because they're f***ing red. और अगर आप भी इस ट्रिक को उस पर्सन पर यूज कर रहे हो जो डिप्रेशन या बहुत गुस्से में है, ऐसा करने से सिचुएशन वापस कंट्रोल में आ जाती है और वो भी कुछ देर के लिए वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, जिससे फिर आप उन्हें मजीद प्रोडक्टिव सॉल्यूशन की तरफ लेकर जा सकते हो। स्टेट ब्रेकिंग क्वेश्चन से पावर, अथॉरिटी और इवन लास्टली हमने देखा कि इमोशंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इमोशंस को देखकर कोई भी हमारे बारे में बता सकता है कि हम किस सिचुएशन में है। टॉमी की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी सबसे बड़ी रीजन उसका रिएक्ट ना करना। और यही हमारा अगला पॉइंट भी है, बी नॉन रिएक्टिव। ये जान लेना कि मेंटल डिस्कम्फर्ट को किस तरह से हैंडल करना है और ये महारत हासिल कर लेना फिजिकल डिस्कम्फर्ट को हैंडल करने से ज्यादा जरूरी है। जबकि मुश्किल तो ये दोनों ही हैं, पर अगर प्रैक्टिस के साथ आप इसे सीख लेते हो तो आप बाकी सबसे 10 गुना आगे होगे। नॉन रिएक्टिव होना यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अगर आप किसी दबाव या इमोशनल सिचुएशन में हो तब खुद को शांत और अपने इमोशंस को काबू में रखना ही नॉन रिएक्टिविटी है। यानी आपके सामने जो भी हालात हैं उनका असर आप अपने दिमाग पर सवार मत होने दो। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से वो चीजें आपको मेंटली चैलेंज कर रही हैं तो आप एटलीस्ट उसे फिजिकली जाहिर मत होने दो, क्योंकि हम बातचीत में सामने वाले को अपना कोई भी वीक पॉइंट नहीं देना चाहते। इसी ट्रिक का इस्तेमाल टॉमी भी करता है और इंतहाई प्रेशर वाली सिचुएशंस में भी शांत रहता है।
अब डेफिनेटली टोमी ऐसी क्वालिटीज के साथ पैदा नहीं हुआ था, उसने काफी मरतबा जानलेवा सिचुएशंस को फेस करके इस क्वालिटी को पैदा किया, पहले जंग में और फिर कई मरतबा गैंगस्टर बनते वक्त। अब मैं आपको जंग में जाने का तो नहीं कहूंगा, पर इसकी कुछ टिप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप प्रैक्टिस करके इस क्वालिटी को सीख सकते हो। कई मरतबा कुछ सिचुएशंस में हम ओवर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप नर्वस दिखाई देते हो, पर अगर आप बातचीत में नर्वस दिखाई दोगे तो डेफिनेटली लोगों को आपके वीक पॉइंट का पता चल जाएगा और इसी मोमेंट पर आप पावर सामने वाले को दे दोगे। इसीलिए हमने देखा है कि थॉमस एक शांत आदमी है, पर वो अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने का हुनर भी जानता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर डर या परेशानी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब बातचीत में सामने वाला उस पर प्रेशर डाल रहा है, तब भी वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं होने देता और शांत रहता है। अब इंस्पेक्टर यहाँ थॉमस शेल्बी को धमका रहा है, लेकिन उसके चेहरे से तो वो बिल्कुल शांत दिखाई देता है। You and your scum brothers have your heads stoved in with mallets and spades. And your sister too. लेकिन असल में वो ऐसा करना चाह रहा था। Our power lies in remaining non-reactive. बाकियों में और टॉमी में बस इतना फर्क है कि वो हमेशा काबू में रहता है और कोई उससे उसका कंट्रोल छीन नहीं सकता। अगर आप नॉन रिएक्टिव रहोगे तो चाहे आपके सर पर कोई बंदूक ही क्यों ना लगा दे, आप हमेशा अपनी पावर वापस ले सकते हो, क्योंकि आपने कोई वीकनेस का साइन शो नहीं किया। He researches his enemies. That's why he's been chosen. I am chosen. I'm chosen. उम्मीद है कि हम में से किसी को भी ऐसी सिचुएशन में कूल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखें कि नॉन रिएक्टिव रहना सबको दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपके पास उस सिचुएशन को हैंडल करने की काबिलियत है। थॉमस का बातचीत में नॉन रिएक्टिव रहने के पीछे भी एक पर्पस होता है। लोग थॉमस को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाते और धमकाते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है उसे बुरा नहीं लगता, पर हाँ, वो जो भी फील करता है उसे जाहिर नहीं होने देता, ताकि सामने वाले को इस बात का बिल्कुल भी हिंट ना मिले कि उसका क्या रिएक्शन है। सुनने में तो आपको लगेगा कि रिएक्शन ना देना ये तो वीकनेस हुई, पर हकीकत में जब सामने वाले को वो नहीं मिलता जो वो चाह रहा होता है, तो इनडायरेक्टली पावर और कंट्रोल आपके पास ही रहेगा, और इसी तरह कन्वर्सेशन में डोमिनेट करके आप वो हासिल कर सकते हो जो आपका मोटिव है। टॉमी की तरह नॉन रिएक्टिव रहने के लिए अभी कुछ टिप्स देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने पोस्चर को मेंटेन रखो, कम बोलो और ज्यादा सुनो, बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करो, खामोशी का भी इस्तेमाल करो, और इसी के साथ टॉमी की तरह बेअसर रहो, यानी सामने वाला कुछ भी कहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और सबसे जरूरी, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर टिके रहो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट तो बनता है, जो बातचीत में आपको सबसे अलग और स्टैंड आउट करवा सकता है। और टॉमी की बात करते चले तो वो तकरीबन अपनी 70% बातचीत में इसको इस्तेमाल करता है। फॉलो दी सर्पेंटाइन रोड, ये स्ट्रेटेजी ज्यादातर तो पॉलिटिक्स में यूज होती है, और थॉमस शेल्बी कभी भी, लिटरली कभी भी, वो सीधा जवाब नहीं देता जो भी सवाल उसे पूछा जाता है। वो एक कहानी सुनाने से शुरू करता है जो बाद में उस सवाल से उसे जोड़ देता है। इस तरह से वो अपना बेस्ट जवाब भी दे पाता है और सामने वाला तो फिर वैसे ही चुप कर जाता है। इस क्लिप में देखना, जब ये औरत पूछती है टॉमी के फादर का प्रोफेशन क्या था, अब टॉमी यहाँ सिंपली उनका काम बता सकता है, पर वो ये जवाब देता है। I am curious, what was your father's profession? Well, he told fortunes and he stole horses. Often he would tell a man that his horse would be stolen and they would marvel at his powers when it was. उस औरत के एक्सप्रेशंस देखकर पता लगता है कि वो इम्प्रेस हुई, और खासकर टॉमी का ह्यूमर उसे पसंद भी आया। अब क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, वो इनडायरेक्टली ये जानना चाह रही थी कि उसके फादर की इस सोसाइटी में पोजीशन क्या थी, यानी उनका स्टेटस क्या था। अब वैसे तो टॉमी के फादर लोगों की भविष्यवाणी करते या फिर घोड़े चोरी किया करते थे, यानी कि बहुत बुरी रेपुटेशन थी। लेकिन जिस तरह से टॉमी ने इस बात को कवर किया, उसके जवाब से टॉमी स्मार्ट भी नजर आया और सामने वाले को इम्प्रेस भी किया। लेकिन अगर वो सीधा सीधा बता देता कि वो चोर थे तो डेफिनेटली उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर जिस तरह से टॉमी ने इसका जवाब दिया, उसने सब में अपनी प्रेजेंस और पावर को जाहिर किया। पर मैं ज्यादा इस पॉइंट को कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं थॉमस शेल्बी पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में थॉमस शेल्बी कमेंट करें, मैं जल्द ही अगेन इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आप कन्वर्सेशन में डोमिनेट करना चाहते हो तो ऐसे सवाल का सीधा जवाब मत दो। हाँ, कुछ सिचुएशंस में आपको डायरेक्ट आंसर करना ही सही होगा, पर उसके अलावा ज्यादातर बातचीत में सीधा जवाब देना वैसे भी बोरिंग होगा।
पर अगर आप उसे किसी कहानी के साथ लिंक कर सको या कोई पुरानी स्टोरी सुनाओ तो सामने वाला ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्टेड होने लगता है। और मेरे ख्याल से हमारे लिए भी ये करना ज़्यादा सही रहेगा। इसकी रीज़न ये है कि पहला तो हमें सोचने का वक्त चाहिए और दूसरा आपको स्मार्ट भी दिखना है, तो बातचीत को ज़रा मोड़ दो जब तक आपके पास कोई परफेक्ट जवाब ना आ जाए। स्टार्टिंग में आपको बातचीत में इस ट्रिक को अप्लाई करते वक्त कहानी बनाने या सुनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के साथ एक पॉइंट पर आप इसको सीख जाओगे और इसमें माहिर भी हो जाओगे। फिर आपकी यही ट्रिक सामने वाले को इम्प्रेस भी किया करेगी, क्योंकि आप एक ही वक्त में पर्सुएसिव और इंटेलिजेंट लगोगे, यानी एक तीर से दो शिकार। भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या, ये पाप पुण्य सब फिजूल है।